पाकिस्तान की लड़की दोनों भारत में जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पिछले 5 साल से अपने भारतीय मंगेतर से शादी का इंतजार कर रही कराची की रहने वाली जवेरिया आज यानी मंगलवार को अमृतसर के वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। उनके मंगेतर समीर खान ने वाघा बॉर्डर के पास उनका स्वागत किया और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। दोनों को इस शादी से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि जवेरिया पाकिस्तानी नागरिक हैं और उन्हें भारत आने का वीज़ा नहीं मिल रहा था। आज से करीब 5.5 साल पहले वीज़ा पाने के लिए कोशिश शुरू की गई थी। दरअसल समीर खान जर्मनी में पढ़ते थे और भारत आने के बाद उन्होंने अपनी माँ के मोबाइल में जवेरिया की तस्वीर देखी क्योंकि पाकिस्तान में समीर खान के परिवार के कई रिश्तेदार रहते थे। जवेरिया की तस्वीर देखने के बाद समीर ने फैसला किया कि वह उसी से शादी करेगा, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान में लॉकडाउन लगने के कारण वीज़ा सेवा बंद कर दी गई। लेकिन समीर ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार अब जवेरिया को भारत आने के लिए 45 दिन का वीज़ा मिल गया है। जवेरिया की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी कि उन्हें भारत आने की कितनी खुशी है और भारत में कोलकाता के एक परिवार की बहू बनने जा रही हैं। जवेरिया ने भारत पहुँचते ही कहा कि पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार मैं भारत की धरती पर पहुँच चुकी हूँ। वहीं समीर के पिता ने कहा कि भले ही दूल्हा मेरा बेटा है लेकिन जवेरिया भी मेरी बेटी ही है। जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों शादी करने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले समीर की तरफ से जवेरिया के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा भी अप्लाई किया जाएगा ताकि जवेरिया जो है वो भारत में ही रह सके। समीर का भी कहना है कि भले ही वे जर्मनी में पढ़े लिखे हैं लेकिन वे शादी के बाद जवेरिया के साथ भारत ही रहेंगे। आज जैसे ही जवेरिया भारत पाकिस्तान की सीमा पार कर अटारी पहुंची तो पूरे परिवार ने ढोल बजाकर और भांगड़ा कर उनका स्वागत किया। अब परिवार अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलकाता पहुंचेगा। कब मिले थे आप, आज आप आ रहे हो, कैसा लग रहा है, कितने सालों के बाद ये? बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी तरफ से बहुत मदद हुई हमारी, तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। कितने साल ये हुआ है आपका? हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। तो अब पहले कोई हुई कि फैमिली का वीजा लगा? कितने दिन का वीजा मिला आपको? मुझे मिला है 45 डेज का। तो गवर्नमेंट आपको परमानेंट यहाँ रहने की अनुमति दी गई आपको? सॉरी, परमानेंट रहने के लिए आपको यहाँ पर परमिशन दी जाए 45 दिन से ज्यादा किया जाए शादी के बाद आपको यहाँ? जी 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 हाँ, उसके लिए तो कोई प्रोसेस वगैरह पूरा होगा जी, लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना होगा। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबको मुबारक हो, मुबारक हो, सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं इन्होंने। ढोल ताशों का कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अभी 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 वेलकम होना है अभी। कैसा लग रहा है आपको? मैं शक्ल से दिख रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है? मैं खुश हूँ और शौक हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, मकबूल जी का, जिन्होंने प्रोसेस में हेल्प की है। दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है और जब नियत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर कोई चीज बीच में नहीं आती, तो वही हुआ है और आप एग्जाम्पल देख रहे हो सामने। आप जैसे कई कपल्स ऐसे हैं जी, दोनों की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन? मैं चाहूंगा दोनों गवर्नमेंट आपकी स्पेशली मैरिज केसेस के लिए वीजा अलग से करें और हेल्प करें। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजंस बहुत इम्पोर्टेंट और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आई थिंक ये एक अलग से एक वीजा होना चाहिए, मेरी ये रहेगी। आपका क्या कहना है इस पे? जैसे कई कपल्स हैं जो वहां पर से यहां भी, उनको गवर्नमेंट ने कैसे एक्सेप्ट किया? मैं ये इसी चीज को लेकर मैंने भी यही कहना है कि ये वीजा की खासतौर पर कपल्स के लिए वो प्रोसेस अलग से होना चाहिए, अपने प्रोसेस वगैरह अलग, सारे सिक्योरिटी वो सब फॉलो करके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब। तो लंबा टाइम ये टाइम करना चाहिए? टाइम इतना लंबा तो खैर वो हो गया, कोई मसला नहीं है, बट